तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ भी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हम लोग आए हैं कबीर रथ एक्सप्रेस को कैप्चर करने, क्योंकि आज इंडियन रेलवे के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन माना जाएगा, क्योंकि आज जो चेंज होने जा रहा है कबीर रथ एक्सप्रेस में, जो कि है अभी इंडिया की जो 9 कबीर रथ है उनको LHB कोच दिए जाएंगे। सब कबीर रथ में 3rd AC 9वीं लगेंगे। अभी तक आप जानते हैं 3rd AC कोच लगे होते हैं, जी सीरीज होती है नंबर की उसमें लगे होते हैं, ठीक है। कुछ गरीब चेयर का भी है 3rd AC होते हैं, बट अब जो नए LHB कोचेज आएंगे गरीब में उसमें सब में लगे होंगे 3rd AC 9वीं। तो नौ गरीब को LHB कोचेज मिलने हैं, धीरे धीरे सबके चेंज होंगे कोच। लेकिन पहली शुरुआत हो रही है, जो पीछे आप देख सकते हैं ट्रेन है, ये है आनंद विहार भागलपुर गरीब एक्सप्रेस। तो इसका आज फर्स्ट LHB रन होने जा रहा है, पहली गरीब है इंडियन रेलवे की जिसको मिलने जा रहे हैं LHB कोचेज। तो चलिए जैसी ही ट्रेन मिलेगी आपको दिखाते हैं, मैंने चलिए वीडियो की शुरुआत कर दें पुरानी गरीब के साथ। अभी आपको जैसी ट्रेन लगेगी प्लेटफॉर्म में 6 से बता रहे हैं जाएगी, आपको दिखाएंगे ट्रेन का इंटीरियर। अभी इसका भी इंटीरियर दिखाऊंगा कि क्या क्या फर्क है पुराने कोच में ICF में और नई LHB गरीबत में। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, मैं ओल्ड हमारा जो ICF गरीबत के कोच होते थे, ये इसकी लिवरी है जो आप देख सकते हैं, येलो और ग्रीन कलर में होता है इसका कॉम्बिनेशन, जो कि गरीबत का आइकॉनिक कलर है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका इंटीरियर कैसा होता है। 3rd AC कोच होते हैं इसमें सारे। तो ये है गरीबत ICF का इंटीरियर, जैसे आप देख सकते हैं ICF कोच का 3rd AC है। तो कुछ इस तरीके से सीट्स है, इसमें ब्लू सीट है, वैसे ही कुछ गरीब में होते हैं ब्राउन कलर का सीट पैटर्न होता है, आप देख सकते हैं कंफर्ट लेवल अच्छा होता है इनमें। और जैसे कई गरीब जिसमें हैं उनमें साइड मिडल भी होती है, जैसे एक मिडल सीट तो आपको पता ही होती है। अब जैसे इसमें क्या है, साइड लोअर साइड अपर ही है, जो कि बेटर लगता है, साइड मिडल सीट की सुविधा दी गई है, बट वो ना कंफर्टेबल नहीं रहती है यार। यहाँ लगा लो 2 सीट होती है, इसमें अगर तीसरी सीट ऐड कर दी तो वो बस सक्सेसफुल नहीं हुआ था इंडियन रेलवेज में, वरना और ट्रेनों में भी ऐसा ऐड करना था जिस टाइम ये कंसेप्ट लाया था इंडियन रेलवेज, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसलिए जो कुछ गरीब में आए थे तो उनमें चल रहे हैं, वरना तो भाई ये साइड लोअर साइड अपर ही बढ़िया रहता है। तो ओवरऑल कुछ आप देख सकते हैं इस तरह की कंडीशन है इसके कोचेस के, काफ़ी पुराने भी एक से इस गरीब के, बट फाइनली इसको आज नए LHB कोचेस मिलने जा रहे हैं, जो कि इंडिया की पहली गरीब है जिसको LHB कोच मिलेंगे। 3rd AC 9वीं सारे कोच होंगे। तो चलते हैं बाहर, आपको दिखाया मैंने इस तरह के इंटीरियर है, क्योंकि ट्रेन में सारे ही 3rd AC कोचेज हैं, कोई स्लीपर नहीं, कोई इसमें 2nd AC नहीं है, 1st AC नहीं है, पूरी ट्रेन ऐसे ही आपको 3rd AC कोचेस के साथ मिलेगी। गाइस जैसे एक अपडेट है कि पहले ना जो आपकी चलती है दिल्ली से बैरोला से बैंड्रा वाली गरीब है, उसका सुनने में आया था कि उसको LHB देंगे, बट दो बार वो चीज़ बोल्ट के कंफर्म हो चुका है कि मतलब हम ट्राई किया था कि वो LHB होगी, बट उसको ICF के साथ ही भेजा गया था। अब आज भी कुछ उम्मीद है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जो सरायरोला बांद्रा वाली मुंबई वाली गरीब रथ है उसको पहले मिलने थे LHB कोचेज, बट दोनों बार टल गया या स्किप हुआ, जो भी है रेलवेज का मैनेजमेंट है यार। बट अभी कुछ देख सकते हैं यहाँ पे लिनन वगैरह जो भी बेडरोल वगैरह होते हैं, काफ़ी सारा सामान इनके सारे कोचेज में से निकाल के रख दिया हुआ है। तो ये इससे एक पता चल रहा है कि भाई ट्रेन अगर जाएगी तो भाई, क्योंकि ये तभी निकाला हुआ है, अगर नए कोच नहीं आते तो ये सारा सामान निकालते नहीं, क्योंकि इसी ट्रेन में रहता, क्योंकि इसका डिपार्चर टाइम है 5:30 बजे का। तो इससे लग रहा है कि भाई ट्रेन यहाँ से जाएगी, क्योंकि देख सकते हैं सारा सामान बाहर निकाल रखा है यार। उससे पहले आपको मिलवाते हैं अक्षय भाई से, जो आज इस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं। भाई ऑल गुड? बस बढ़िया भाई, आप बताइए कैसे? बहुत बढ़िया, और थैंक यू सो मच भाई को, तो भाई के घर गए बड़ा अच्छा लगा यार, मतलब एक घर जैसी फीलिंग आई, मतलब पंजाबी बंदे हम तो, और लगा ही नहीं ऐसा पहली बार मिले और मजा आ गया। और आज ट्रैवल करेंगे भाई, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल तो नहीं कर पाएंगे लेकिन भाई कुछ काम है इस वजह से ट्रैवल नहीं कर पाए, बात नहीं, बट मैंने भी सोचा क्यों ना यार भाई चले साथ में और देखें सर कैसा रहता है। बट भाई ट्रैवल करेंगे इनके चैनल पे, भाई पूरा आपको जर्नी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट है भाई, जरूर से चेकआउट करना। चैनल आप जानते ही होंगे यार, बताने की नीड नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, जर्नीज भी देखे हैं, जाके चेकआउट करना भाई, वीडियो आ चुकी होगी और बहुत ताबड़तोड़ जर्नी बनी होगी, एक्सपीरियंस ही अलग होगा यार। ये तो पुराना रैक का इसकी बात भी लग थी, अंदर गया मैं देख के और बहुत मतलब अजीब सा लगा यार, साइड मिडल बर्थ होती थी, अब नई वाली में साइड मिडल बर्थ नहीं होगी, वो नहीं है, ये तो फर्क है गरीब में देखने को मिलता था। बाकी भाई भाई से मिलकर इतना अच्छा लगा, साथ गए और थैंक यू, आप घर भी आए भाई, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अपनापन है, कुछ ऐसी बात ही नहीं है। भाई से मैं आज तीसरी बार मिल रहा हूँ, लेकिन भाई साहब अलग ही फन है, हमने कल ट्रैवल भी किया था साथ में, जर्नी नहीं बनाई थी, ऐसे घूमने गए फिरने गए थे चंडीगढ़ तक, और सुबह ही आए थे हम 10 बजे आए थे ना, हाँ चंडीगढ़ तक गए थे, वहाँ से आराम से चंडीगढ़ बैंड्रा वाली ट्रेन से वापसी गए भाई, जर्नी मजे आए, लेकिन गर्मी बहुत है भाई, गर्मी तो यार दिल्ली में आप जानते हैं, पूछो ना, नहा धो के फ्रेश होके मेट्रो में इतना बढ़िया तरीके से बढ़िया से आए थे, अब पसीने पसीने हो गए, लेकिन भाई चंडीगढ़ से जब ट्रेन में आए ना उसमें ठंड लग रही थी, लगाओ दिल्ली में गंदी वाली गर्मी है, बट उस साइड पंजाब साइड ठंड है भाई आज भी। अभी थोड़ी देर में आने वाली अपनी नई वाली गाड़ी, वो भी आपको आई होप जल्दी जैसे गाड़ी आए हम आपको दिखाते हैं, सीधा इसका इंटीरियर दिखा चुका हूँ, दिखाएंगे सीधा नई वाली गाड़ी का इंटीरियर। भाई फाइनली अराइवल होने जा रहा है हमारी नई नवेली गरीब रथ एक्सप्रेस का, चलिए आपको दिखाते हैं अराइवल ट्रेन नंबर 22400 से, यानी कि 22406 22400 से आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ अपने नए अवतार के साथ LHB कोचेज के साथ। चलिए आपको दिखाते हैं Wi-Fi लेकर आ रहा है ट्रेन को, दिखाते हैं उसका अराइवल। 5:03 पर गाड़ी को लगाया जा रहा है और 5:20 पर इसका चलने का टाइम है यहाँ से।
वाईफाई आ रहा है भाई साहब, नई नई गरीबत को लेकर अपने साथ। गाजियाबाद वाईफाई है भाई। थ्री फाइव जीरो फोर जीरो भाई, नया नया आपको देखो सामने ईओजी कोच है, जनरेटर का बोर्ड तक नहीं लगाया अभी, चम चमाते हैं एलएचबी कोचेस। आनंद विहार भागलपुर के विभाग एक्सप्रेस, अब इसमें आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस। बाकी देखते हैं बोर्ड पे क्या आता है। देखिए जी फोर, अभी इसमें बोर्ड नहीं लगे हैं, ऐसे पेपर में इन्होंने प्रिंट करके लगाया हुआ है। उस ट्रेन के लगता है आपको इंटीरियर भी दिखाते हैं भाई, इसका नए नए एल एच पी कोच है यार। सुंदर सुंदर चमचमाते एल एच पी कोच, 2023 की मैन्युफैक्चरिंग के कोचेज हैं। G14 और इसकी रेक शेविंग है जयनगर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ, तो ये वाले कोच भी रेक शेव करेंगे आनंद विहार जयनगर और आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ के साथ। आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट भाई, नए नए एलएचबी कोचेस के साथ आप देख रहे हैं अभी गरीब रथ एक्सप्रेस का नया अवतार। जर्नी तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ काम से मुझे जाना है इसलिए जर्नी नहीं कर रहे हैं इसमें, लेकिन मैंने कहा चलिए आपके लिए एक्सक्लूसिव कवर करते हैं इसके नए नए एलएचबी कोच, नया लुक हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस का, और इंडिया की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस है भारत की जिसमें अभी एलएचबी कोच लगने जा रहे हैं। और एलएचबी कोच बनाए ये जो थर्ड एसी इकोनॉमी थे गरीब रथ के लिए बनाए हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे हैं देख सकते हैं यार। अभी जैसे खुलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो सामने इसका बोर्ड देखो यार, तो फाइनली ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। अभी आपको जैसे गेट खुलते हैं मैं दिखाता हूँ ट्रेन का इंटीरियर, बाहर से तो एकदम चमचमाती ट्रेन है, अंदर भी नए नए कोच होंगे यार। अभी सामने जो गेट है मेरे, ये मैंने भी चेक किया था, बंद है, आगे वाला गेट खुल चुका है वहाँ से, लेकिन लोग जा रहे हैं। अभी जैसे ही अंदर हमें जगह मिलती है आपको दिखाता हूँ मैं इंटीरियर भाई साहब, नया नया कोच है, चमचमाती ट्रेन है और अंदर से भी बहुत ही बढ़िया सुंदर ट्रेन होगी। बस आप लोगों से गुजारिश है यार, जो भी ट्रैवल करते हैं ना ट्रेन को मेंटेन रखना अपना काम है यार, कि रेलवे सब भी आपको सुविधा प्रोवाइड करता है बट लोग जो गंदगी फैलाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ट्रेन में गंदगी ना फैलाएं। जो लोग गुटखा खाकर वॉश बेसिन वगैरह पे थूकते हैं वो चीज़ ना करें, ट्रेन को साफ़ सुथरा रखें, ट्रेन की सीट्स वगैरह लोग फाड़ देते हैं, मतलब बहुत चीज़ें करते हैं यार, नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी साफ रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ट्रैवल हम लोग करते हैं रेलवे हमें सुविधा देता है, लेकिन गंदगी लोग मचाते हैं। अगर लोग ट्रेनों को गंदा करना छोड़ दें और कूड़ा वगैरह जो फेंकते हैं ट्रेनों में फेंक देते हैं, आप लोग कूड़ा प्लीज़ डस्टबिन में फेंकिए। ट्रेन को मेंटेन रखेंगे तो ट्रेन बिल्कुल बढ़िया रहेगी। अभी जैसे नए कोच हैं इसको प्लीज़ मेंटेन रखना। चलिए चलते हैं, अभी आपको मैं अंदर से सीधा इंटीरियर दिखाऊंगा इसका। तो गाइस फाइनली भाई इतनी मुश्किल से संघर्ष के बाद भाई ट्रेन के अंदर एंटर हो पाए हैं। चढ़ने में भीड़ बहुत है यार, ट्रेन को लेट लगाया है, 5:20 पे चलने का टाइम है और 5:10 पे ट्रेन को लगाया है, यहाँ पर 10 मिनट बचे हैं ट्रेन के डिपार्चर में मेरी वजह से ही। तो कुछ आप देख सकते हैं ऐसा इंटीरियर है थर्ड एसी इकोनॉमी कोच का, गरीब रथ का नया अवतार भाई साहब देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है यार। 22-25 चमचमाती गरीब रथ भाई, नए नए एलएचबी कोच। अब पहले जो आपके आईसीएफ कोचेस थे उसमें होते थे थर्ड एसी कोचेस, ये है थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस। तो भाई जैसा मैं आपको बाहर कह रहा था कि ट्रेन को मेंटेन रखना हमारा काम है, अभी देख सकते हैं कितनी सुंदर ट्रेन है, नए नए कोच हैं, फर्स्ट रन है ट्रेन का। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है ट्रेन को मेंटेन रखना, साफ सफाई का ध्यान लोगों का रखना है यार, हम लोग साफ सफाई रखेंगे ना ट्रेन मेंटेन रहेगी यार। कूलिंग भी बढ़िया और ट्रेन बहुत कम्फर्टेबल, अब देख सकते हैं सीट का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा बना रखा है इसमें। ये नंबर पे तो ही लगाना था नए वाले अपने इकोनॉमिक कोच से, बाकी सारी फैसिलिटीज तो वही है जो नॉर्मल इकोनॉमिक कोच में होते हैं, जैसा कि बोतल होल्डर दिया गया है, सारी वही फैसिलिटीज है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह है और रीडिंग लैंप्स वगैरह, फ़ोन होल्डर भी दिया गया है, सारी चीज़ नॉर्मल थर्ड एसी इकोनॉमी वाली, लेकिन बहुत अच्छी बात है गरीब रथ को एलएचबी दिए जा रहे हैं।
और एक ओल्ड आईसीएफ भी बंद हो जाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि नौ गरीब है तो को एलएचबी देना है, उसके लिए भी दुख है, लेकिन यार डेवलपमेंट भी जरूरी है, लोग अपग्रेड को बस अपग्रेड रहने दे तो बहुत अच्छी बात है यार। तो यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं इंडिकेटर पे लगे हैं कि वॉशरूम वैकेंट है या फिर एंगेज है, तो यहाँ पे आपको लाइटिंग मिल जाएगी, इंडिकेट कर देगा। बाकी ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से था अंदर भाई, स्लाइडिंग डोर है यहाँ पे, सीट्स भी बढ़िया है और कूलिंग अच्छी हो रही है, देख सकते हैं ये स्लाइडिंग डोर। तो यहाँ सारा एटी कंट्रोल्स है, आपको वॉशरूम की कंडीशन नहीं नहीं कोच है, पहला मैंने साफ सुथरा होगा, देख सकते हैं बढ़िया है एकदम। बस फिर से ये गुजारी देखो, मेरे वगैरह सारी चीज़ क्लीन है, सब कुछ अच्छा है, बस वही मैं कहूँगा लोगों से यार प्लीज़ साफ सफाई का ध्यान रखें, गुटखा वुटका खाएं इसमें मत थूकिए प्लीज़, गुटखा पहली बात खाना ही नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए सब, और गंदगी मत फैलाना ट्रेन में, जैसी रेलवे ने साफ सफाई के लिए आपको सुविधा दी है इसको मेंटेन रखने में आप लोग साथ दें। ओवरऑल काफ़ी बहुत बढ़िया कंडीशन है ट्रेन की यार, मज़ा आ गया देखकर भाई। तो भाई डिपार्चर स्टार्ट हो गया गरीबत का यहाँ से, आनंद विहार से बैठ नंबर 6 से, और ये हमारे गेट पे अक्षय भाई जा रहे हैं। लोकोमोटिव तो यार F5 था कि आपको मैंने अवेलेबल पे दिखाया था, बाकी डिपार्चर आप यहीं से देख लीजिए एक बार। पाँच मिनट की देरी से चली ट्रेन यहाँ से, 5:20 पे डिपार्चर टाइम था, 5:25 पे निकली है। बाकी ये ट्रेन को ना यार थोड़ा डेकोरेट करके सजा कर भेजते तो और अच्छा लगता है यार, क्योंकि डेवलपमेंट है, LHB को दिए हैं ट्रेन को, तो इसको थोड़ा सा सजाना चाहिए था यार, क्योंकि ट्रेनें जब जाती हैं ना इनोग्रेशन वगैरह पे या जैसे कुछ अपग्रेड हुआ है तो उसको सजा के भेजते अलग ही एक और लुक आता है ट्रेन का। बाकी कोई नहीं, नए नए सुंदर से LHB कोचेज हैं, उसका भी अपने आप में बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। ये ट्रेन थोड़ी स्लो हुई है भाई, सारे कोच की मैन्युफैक्चरिंग 2023 की है भाई। तो गाइस आपको अगर किसी भी ट्रेन के इकोनॉमी कोच की जर्नी चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने जर्नी करनी है इकोनॉमी कोच में, आप लोग भी बताइए आपको कौन सी ट्रेन का इकोनॉमी कोच का जर्नी देखनी है, मैं जरूर से ट्राई करूँगा उसमें कवर करने का, वरना इकोनॉमी कोच की जर्नी जल्दी लाऊंगा मैं चैनल पर। तो ये था जी डिपार्चर हमारी आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस का नए अवतार में, और ये भी नई LHB और ये हैं इसके पुराने रेक्स जो ओल्ड ICF मैंने आपको दिखाए थे वीडियो की स्टार्टिंग में, दोनों कोच आपके सामने हैं। ये इसके ओल्ड ICF ब्रेक्स हैं जिसके साथ ये चलती थी, आज ही ये यहाँ पे दिल्ली पहुँची है, भागलपुर से कल आई थी ये। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कौन से कोच ज़्यादा पसंद आया, ये पुराने ICF कोच या फिर ये जो नए LHB कोच वाली गरीबत गई है। थर्ड AC कोच है ये सारे, देख सकते हैं AC 3 टीयर, और जो ये गई नई वाली गरीबत इसमें सारे हैं थर्ड AC इकोनॉमी कोच। तो आपको कौन से पर्सनली पसंद है कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस फाइनली बाहर आ गए, आपको मैंने दिखाया ओवरऑल लुक, क्योंकि थर्ड AC इकोनॉमी कोचेस तो सेम इंटीरियर है, लेकिन भाई ट्रेन में कूलिंग अच्छी और सुविधाएं अच्छी दी गई है। अगर गरीबत एक्सप्रेस ट्रेन को नए LHB कोच मिले, अब धीरे धीरे और जगह देखो, ये पहली गरीबत LHB हुई है, अभी 8 और होनी है, इससे पहले बैंड्रा वाली होनी थी बट पता नहीं किस वजह से उसको कैंसिल किया गया, 2 बार हमने ट्राई किया चलो LHB होगी उसको दिखाते, बट कोई नहीं फाइनली अभी भारत की पहली गरीबत ये है जिसको LHB कोच मिले हैं आपके सामने एक्सक्लूसिव कंटेंट। तो भाई आपको कैसा लग रहा है, और गरीबत आपको LHB हुई है तो ये चीज़ आपको कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ICF गरीबत ज़्यादा पसंद है या LHB कोच कैसे लगा आपको, कि एक थर्ड AC कोच था और एक थर्ड AC इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है और दोनों में फ़र्क भी है भाई, आप जानते हैं थर्ड AC का कम्फर्ट कैसा है और थर्ड AC इकोनॉमी का कैसा है। बाकी भाई ट्रेन अच्छी है, साफ सफाई भी बढ़िया है, कि नए रेक्स है, बस मैं जितना बोलना चाहूँगा वही कि यार इसको मेंटेन रखने में आप लोग प्लीज़ मदद रखना, क्योंकि ट्रेन को जितना आप साफ सफाई रखेंगे ना आपके लिए बेटर है, आप लोग पैसे खर्च करके ट्रैवल करते हैं साफ सफाई का ध्यान रखना, क्योंकि डस्टबिन दिए होते ट्रेनों में कूड़ा सारा वहीं पे फेंकिए, ना सीट्स के नीचे फेंकिए ना ट्रैक्स पे फेंकिए, तो बढ़िया रहेगा, रेलवे आपको सुविधा प्रोवाइड करता तो आप लोग भी साफ सफाई में हेल्प करना। चलिए आपको ओवरऑल मैंने एक दिखाना था एक्सक्लूसिव यहाँ पे नए नए LHB ब्रेक्स का कोच, कैसा लगा आपको ये वीडियो, छोटा सा कवरेज था कि चलिए पहली भारत की गरीबत है जिसको LHB कोच मिले हैं,
होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा है गरीब व्यक्ति का अपग्रेडेशन। चलिए फिर मिलता हूँ मैं किसी बार ताबड़तोड़ खूबसूरत अच्छी जर्नी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, जय हिंद।